फ्रेंड्स, मेरा नाम है करण जुगाड़। इस फिल्म में यूट्यूब चैनल का स्वागत है। मैं फिर से एक नई यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अभी आपने देखा ये जो हमने बोर्ड बनाया गाइस पीवीसी पाइप से बनाया, तो गाइस ये काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आपको देखने में। तो ये किस तरह बताए चलते बनाते हैं, और गाइस इसकी जो वायरिंग है काफ़ी अच्छे तरीके से समझाई, तो आप वायरिंग पर ध्यान दीजिए। तो आई चलते किस तरह बताइए, लेट्स गो जुगाड़। आप देखते हैं हमारे पे कुछ पार्ट्स होंगे, तो हमने एक होल्डर का इस्तेमाल करा, उसमें बाकी हमारे तीन पलक होंगे गाइस, और एक हमारा सीट है। तो पीवीसी के कुछ टुकड़े काटने हैं, वहाँ देख सकते हैं आप इस तरह गाइस, जो ये है आप देख सकते हैं इनका इतना आपको इसके हिसाब से काट लेना है गाइस, जो ये है तो आपको इस तरह काट लेना है सारे। सबसे बड़ा टुकड़ा लेना है तो आप कुछ इस तरह लगाएंगे गाइस, ठीक है। तो इसे हम कट लेते हैं, फिर आपको दिलाते आगे। सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पे दो होल है, तो गाइस हमने इसके हिसाब से करा होल, और बाकी आप देखते हैं हमने कुछ निशान लगाए। तो गाइस हमारे जो लॉक है, तो हमारे लॉक वाला, तो गाइस आप कौन सा सॉकेट यूज़ करते हैं तो आप उस पर प्लग करता है आपके पास, तो हमने लॉक वाला इस्तेमाल किया। तो आप देखते हैं हमने कुछ इधर डिजाइन किया, तो हमारे जो लॉक है गाइस, तो आप देखते हैं ये दो लाइन देखते हैं हमने कुछ इसकी सिलाई पर काट रखा, तो इसे हम काटेंगे तो गाइस हमारे लॉक इसके अंदर जाकर फंस जाएगा इस तरह। तो फ्रेंड्स, हम पीवीसी पाइप काटने के लिए हम आयरन का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे आयरन की जो बिट हैगी आप देखते हैं बिल्कुल पतली कर दी हमने इसे प्लास से ठोक कर, तो आप इस तरह कट कर लेते हैं आसानी तरीके से कट जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई और जुगाड़ है तो आप कैसे भी करके इसे काट लीजिए, जिससे कि हमारा होल्डर इसके अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। फिर इसे हम काट लेते हैं, फिर आगे आपको दिखलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आयरन की मदद से हम इस तरह कुछ कट कर लेंगे सभी को, इसमें सारे होल कर दिए, तो हम इसे सारे लगा लेते हैं, फिर इस तरह बंद कर दें। तो फ्रेंड्स, आप देखते हैं हमने यहाँ पे एक अलग अलग वायर लगाया, तो गाइस हमने होल्डर को यहाँ पे नट बोल्ट की मदद से जो लगा दिया, कुछ भी नहीं था हमारा होल्डर लगा दें। तो गाइस अच्छा चलते हैं, हमने यहाँ होल्डर लगाया गाइस, लगाते हैं हम कुछ इधर आएंगे, इधर चल आएंगे, मैं पास जब हम बॉक्स बनाते हैं, सबसे पहले आपको बड़ी सीट लेनी वाली, तो हम ये वाला ऊपर चार्ट रखेंगे, ठीक है। उसके बाद गाइस ये वाला लेंगे, ये वाला सबसे पहले करेंगे, इसे गाइस हम एलपी से हम अंदर स्टार्ट करेंगे इस तरह, उसे एलपी से चिपकाएंगे गाइस। तो फ्रेंड्स, हम एलपी इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे अपनी इधर एलपी लगाएंगे, हम इसे इस तरह चिपकाएंगे। फ्रेंड्स, आप देखते हैं सूख गए, तो गाइस आपको देते हैं इस तरह दिखेगा। तो गाइस हम इसे चिपकाने के लिए गाइस हम इस गोंद का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे हम इस तरह लगा देंगे। तो गाइस इसी तरह हम इसको भी यहाँ पे एलपी की मदद से पहले चिपकाएंगे, फिर उसके बाद इस गोंद का इस्तेमाल करें, इससे हमारा प्लास्टिक बहुत अच्छे से चिपकता है। तो हम चिपका लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। हम दूसरा पार्ट भी इसी तरह चिपका लेंगे एलपी की मदद से। तो गाइस हम बाकी साइड का भी पार्ट चिपका लेते हैं, फिर आगे हम आपको दिखलाते हैं। तो गाइस इसमें पीवीसी पाइप का जो गोंद हमने लगाया वो काफ़ी अच्छे से चिपक जाता है, तो आप उसे इस्तेमाल जरूर करें। फ्रेंड्स, आप देखते हैं हमने एक साइड के अंदर चिपका दी, तो गाइस आप देखते हैं काफ़ी क्लीन हो गई दूसरी साइड। तो गाइस हम बताते आपको इधर की जो साइड हमारी कुछ किस तरह लगाएंगे हम यहाँ पे, तो हमने इस तार को कुछ किस तरह कर लिया है। आप देखते हैं तार हमारा मेन स्विच गाइस हमारी अंदर आएगी इस तरह, ठीक है। बाकी हमारे आप देखते हैं जो हमारा बोर्ड है तो इसके अंदर लगाया था, तो अभी हम लगाते आप दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप देखते हैं हमने पूरा कनेक्शन यहाँ पे कर दिया, तो आप देख सकते हैं आप कनेक्शन के बारे में समझ लीजिए। गाइस हमने आपको ये दिखा दिया था इस तरह, हमने फिक्स कर लिया अपने तार को डाल के, सामने हमारा बॉक्स बन गया पूरा। तो हमने गंदा वाला अंदर की साइड लगाया, जैसे हमारे साफ वाला बाहरी साइड अच्छा लुका है, तो आप कनेक्शन समझ लीजिए। गाइस कनेक्शन इसका काफ़ी आसान तरीका, तो आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले हमारे ये जो होल्डर है गाइस, होल्डर के दो वायर निकले, लास्ट का जो हमारा मेन प्लग था उसके अंदर हमने प्लस माइनस दे दिया। तो गाइस इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता, तो हमने दोनों एक वायर हमारे देते हैं प्लग का, और एक ये हमारा होल्डर का, ये दोनों वायर है, तो हमने इन दोनों होल्डर में दे दिया, ठीक है। एक ये रहा हमारा जो लाइट होल्डर का, तो एक इसमें आया और ये रेड वाला इसमें आया। तो रेड वाला देखते हैं गाइस, ये जो हमारा रेड वाला है इसी वजह ठीक इसमें आया, और ये वाला रेड वाला गाइस इसमें आया, ठीक है। और इसी तरह ये हमारा जो रेड वाला वायर है हमारे स्विच में आ गया, और स्विच में से हमारे दूसरे स्विच में से ये हमारा मेन वायर निकल गया, जो हमारा जाके प्लग लगेगा वो हमारे मेन पावर आएगी यहाँ से हमारी मेन पावर। तो हमारे जो ये जो माइनस का वायर है बाकी आप देखते इसमें लगा, फिर उसके बाद ये गाइस हमने लगा इसमें जोड़ दिया, ये तार देखते ये वाला, तो ये तार लगा इसमें सीधे हमने इसमें जोड़ा, और ये जो तार गाइस और ये वाला तार लगा यहीं से इसमें जोड़ दिया, और ये हमारा तार सारा पावर इससे हमारा कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो गाइस आसान गाइस आप देख लीजिए काफ़ी अच्छे तरीके से। तो हमारे जो मेन पावर सबसे पहले, तो मेन पावर हमारा ब्लैक है, तो गाइस इधर वाली जो हमारी जितने भी सॉकेट है हमारे ये इधर वाले लाइट देखते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, तो हमारे व्हाइट वाले आप देखते हैं तो ये हमारे माइनस हो गए, ठीक है। ये हमारा सीधा पावर है, और ये हमारा सीधे, और गाइस आप देखते हैं ये हमारा माइनस का, ये हमारा लाइट होल्डर यहाँ पे लग गया, और ये हमारा प्लस का इसमें। तो आप देखते हैं दोनों अलग अलग कनेक्शन, आप ध्यान से देख लीजिए गाइस इस तरह आपको कनेक्शन करना है, तो काफ़ी ईजी था इसका कनेक्शन गाइस। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो हम आपको एक बजे दोबारा वीडियो बना के लेंगे। तो वैसे हम इसके लिए आप देख लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है।
तो गाइस इसे अब हम जोड़ लेते हैं, पैक कर लेते हैं इस तरह। तो एलपी की मदद से गाइस हम पूरा पैक कर लेते, फिर आपको हम दिखलाते आगे। फ्रेंड्स आप देखते हैं हमने इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से पैक कर दिया। तो गाइस आप जितना ज्यादा हो सके एलपी को इस्तेमाल करें तो काफी ज्यादा अच्छे से मजबूती में बनाना। तो गाइस काफी अच्छा वर्क करता हमने चेक कर लिया, आपको भी एक बार चेक करके दिखलाते हैं। तो गाइस हम सोच रहे हैं क्यों ना यहाँ साइड साइड इनके टेप मार दिया जाए, जो थोड़ा बहुत दिख रहा है तो इसे लुक अच्छा हो जाता है। तो हम ब्लैक टेप मारते फिर आपको दिखलाते। तो फ्रेंड्स हमने अपना जो मेन स्विच था अपने मेन स्विच में लगा दिया तार जो था हमारा, अब आपको हम लाइट चला दिखा देते पहले स्विच बनने के। तो गाइस आप देखते काफी अच्छा वर्क कर रहा है हमारा पलक, आपको दिखाते हैं। तो गाइस हमारे पलक को चेक करने के लिए कोई चीज नहीं, तो हम इसका ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करके दिखाएंगे आपको चेक करें। तो आप देखते हैं गाइस काफी अच्छा, तो गाइस काफी अच्छा वर्क कर रहा है, हम आपको तीनों पलक इसमें चेक करके दिखाएंगे। लास्ट पलक भी आपको दिखा देते हैं, तो गाइस काफी अच्छा वर्क कर रहा है हमारा। तो आपको वीडियो एक कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएं, ऐसे हम अमेजिंग रिजल्ट आपके लिए और लाएंगे। तो गाइस लेट्स गो नेक्स्ट वीडियो में, बाय।